मौत ऐसा सच है जिसे कोई मानना नहीं चाहता, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। तभी तो जब कभी किसी डॉल्फिन के शिशु की मृत्यु हो जाती है, तब मृत शिशु का शव पानी की सतह पर आ जाता है, पर माँ डॉल्फिन उस शिशु को बार बार पानी की ओर नीचे खींचने लगती है ताकि ये पहले की तरह मस्ती करे, साथ में उसके गोते लगाए। लेकिन माँ की ममता भी मरे हुए को कैसे जिंदा कर सकती है। नंबर टू, डॉल्फिन की ही भांति माँ ओर्का के गम को बयां नहीं किया जा सकता। जब भी ये अपने कलेजे के टुकड़े को सामने मरते देखती है, तब माँ अपने बच्चे को अपने सिर पर लाद कर कई घंटों तक उसे जिंदा करने की नाकाम प्रयास करती है। ये प्रक्रिया कुल 6 घंटों तक चलता रहता है। अंत में माँ ओर्का मान लेती है कि भाग्य से परे कुछ नहीं मिल सकता। नंबर थ्री, भले ही आप पंछियों की भाषा न समझ सकें, लेकिन इन मैकपी चिड़िया की दर्द भरी आवाज काफी कुछ कह रही है। ये पास पड़ी अपने साथी को देख हर क्षण बिलखती है। मैकपी के झुंड इस मृत चिड़िया को घेर लेती है और उसे आखिरी विदाई देती है।